संकट अवस्था युद्ध क्षेत्र में जी पड़ी थी अन्य मान को साहय मगुव ताकू मर जाने पे युद्ध रज्ञा समस्त नियम धर्म उपर आधार कर भगवान व्यास पंडित समस्त को परामर्श दे महाभारत पर्व होला अठर पर्व गीतार अध्याय होला अठर हे मोर पंडित मंडल पुराण होला अष्टादश पुराण युद्ध होला अठर दिन सैन्य मान संपृक्त होले अठर उज्जयिनी गीतार प्रथम नंबर श्लोक पंडित भगवान व्यास लिखिले होला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुष्टव ज्ञान नाश कर भागवत कहले जावत मोह अच्छी बासत ज्ञान करे नाश मन मध्य मोह माय रर्यंत ज्ञान आसबना पुओ झी को जन्म देखे मैंने श्रृंखलित मनीष करवा प्रत्येक वैवाहिक जीवन मध्य पुओ झी समस्त कि मोर पंडित मंडल पुत्र कन्या पाइला प्रति एत विभर हो जातुनि पुत्र मुहर पड़ी जमी तार भूल गुडा सब अंटी भरी कर रखे मनीष पी मनीष कर धर्म नीति नियम चला धृतराष्ट्र एत पुत्र मुहर पड़ी गले अधर्म को निजे स्वीकृति कले धर्म उपर पुत्र मान को आधार कले ना समस्त अन्याय पाप उद्धत हेले कि बापा ही किसी शिक्षा दे से महाभारत युद्ध पंडित विनाश होला तथा पंडित एड़ बड़ दुष्कर्म एड़ बड़ विषिका सूत्रपात ये भयंकर युद्ध आसी परिपूर्ण हलानी समस्ते कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ठिया हलानी तथापि संजय को प्रश्न कर पांडव सहित किम कुरुवंत संजय हे संजय मोर पुत्र माने आउ पंडु पुत्र माने कौन कर मते कह तथा मोह जाइनि मन मध्य तथा मो पुत्र हूँ गर्जन करी पंडित मंडल जगत मधे पुत्र कन्या को धर्म मार्ग में पढ़ा तो ध्रुव सात वर्ष रत कल्पी शुणिले बयस सात वर्ष होता आज्ञा माँ को ना हूँ सुनीति भगवान को तपस्या कै प्रभु को डाके कहते श्री राज राजेश्वर तते बापा कोल बसईले कहला तते बापा कोल बसईले बोली मन दुख कर भगवान जगत सम्राट सी तो कोल बसईब तते मन मध्य आकृष्ट कला देख राति अधरे घर छाड़ी आज्ञा जा तपस्या कले भगवान विष्णु को सात वर्ष रालक कि सात कल्प स्वतंत्र नवमंडल मध्य गोटे जगह पुणी या प्रहलाद बाल्यरु भगवान को पाइले धर्मपद भगवान को बाल्यरु चिन्हिले बाजीराउत भगवान को बालक रूप नहीं जानिले से उत्कल गौर मधु बाबू कहले बाल्य कालु धर्म धन धर्म युद्ध नीति नियम
गुण आदर्श हे मोर पंडित भगवान को बाल्य रु चिन्हंतु धर्म रु चिन्हंतु आज्ञा छोटिया बयस रु भगवान को जानंतु ताले पंडित एते कथा में काहे की कहिले धृतराष्ट्र पुत्र मोहरे पड़ी निजर सहे पुत्र मान को धर्म नीति नियम रे ननेबा द्वारा केते उद्धत होले जहां को पई इतिहास रे गोटे स्वतंत्र पंडित मंडली की पदंदी लेखा गला महाभारत युद्ध पांडव आर मध्य तुम्हारे संघर्ष होला महाभारत युद्ध निष्पत्ति पांडव कौरव चिंता कला जहन ये तो कृष्ण आंकु समर्थन करिवे आमे जेते शक्तिवान जेते सामर्थ्यवान हेले मध्य जो पक्ष रे भगवान जोगेश्वर कृष्ण रहिवे से पक्ष निश्चित जयजुक्त करिवो केमिति कृष्ण को हाथ मुठा को आणिबा आज्ञा मोहाक पटि मोहांकारी दुर्योधन भगवान कृष्ण को साहाज्य पाई द्वारिका जाई पहुंचिला कृष्ण को पड़ी तमंडली साहाज्य करी तांकु युद्ध रे भगवान कृष्ण संपृक्त करिवे बोले किंतु मायाधारी भगवान कृष्ण द्वारिका रे दुर्योधन पहुंचिला बेलकु आज्ञा निजे प्रभु शयन कक्ष रे थिले कथा रे नाही आज्ञा चेई सोइथिबो जे ताकु उठैबो के भगवान कृष्ण पंडित महा माया भी आज्ञा जान कि शयन कले जिते दुर्योधन भगवान को साहाज्य पाई द्वारिकारे पहुंचिला भगवान कृष्ण जानीशु शोला बेले दुर्योधन कपटी अहंकारी भावुक नुह तो पुकारी आज्ञा कौन कला भगवान को मस्तक पाखे बसला चिंता कला प्रभु ना उठिबे उठिला परे मु तांगु सहाय्य पई युद्ध रे मते रक्षा करबा पई प्रार्थना करबे तणु आज्ञा मस्तक पाखे बसला दुर्योधन दुर्योधन चिंता कला मुंड पाखे बसिले उठि कि संगे संगे मते पचारबे कुआडे आइजु मु काई हाडे बारी हाडे काई किंतु एही कथा को केंद्र करी पांडव मध्ये तृतीय पांडव गांडी बिधारी अर्जुन चिंता कला प्रभु अर्जुन भगवान को साहाज्य प्रभु पाद तले आसिक बसिले कहीं पाद तले बसिले कि चिंता कले दान दब सी ऊर्धर रही दरकार दान जी दब तार आसन ऊपर रही दरकार जी दाता से ऊर्धर रहे ग्रहिता से पंडित तले रहे जी आमको जन दान दब से ऊपर ठिया हेले सुंदर जी दान नब से तले रही दरकार भगवान दाता ब्रह्मांडर पंडित बड़ सर्वश्रेष्ठ दाता भाविकी अर्जुन आज्ञा प्रभु नमनीय पाद पद्म दासत्व भाव में बसला शिवदाता बड़ीदाता दाता जी मुहान ओला हरिश्चंद्र कर्ण दाता मुख्य दाता जनार्दन
मुसिना बारंबार जन्म होची मृत चक्र रे बारंबार आसुची बोली माया रे मु बंधाई छी बोली मोर किछि मने नाही। हां आपनकर तो माया मोह जन्म मृत्यु रुध रे आपनो आपन को किए चिन्हबा आपन को दुख सुख स्पर्श करे नाही। ना बंसा सि जिन्नानी जथा विहाय विहाय बापा नवानी गुरुनाथ नरपुराणी तथा सुरनासी विहाय जिन्नानी अनादि संगति नवानी देही हे मोर पंडित जेमिति आमे पुरातन वस्त्र को परित्याग करी नुवा वस्त्र को धरुजे धरुते सेमिति आज्ञा आत्मा परिवर्तन करूची शरीर को आज्ञा नुवा शरीर को धारण करूजे आमे आज्ञा जन्म चक्र मृत्यु चक्र रे बारंबार आसु किंतु ईश्वर आसुंदिनी आज्ञा ना 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 काहे कि ना भागवत कहिले बोला मुहि मोर ई मोर सुखे बोला मुहि सोई ब्रह्म र लेखे सकल प्रलय रे जाई बोला मोर निवास मात्र धाई ए सृष्टि प्रलय र अंते बोला जहा रहिब मुहि स्थिते बोला सृष्टि र पूर्व थिली मुहि मोहर पूर्व केहि नाही जगत रे समस्त प्रलय रे विनाश होई जे किंतु शेष रे जहा रहबो सिए होउछि मो सेहिथि पई भगवान को जन्म मृत्यु बणिता या स्पर्श करे नाही। मनुष्य को सिना बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे आसीबा को पड़े किंतु भगवान पंडित मंडली जन्म मृत्यु चक्र रे बारंबार आसीबो नाही। जन्म चक्र मृत्यु चक्र रे बारंबार आसुते किंतु ईश्वर आसुते नि आ गया।